हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मे मैं अपलोड करता हूँ बी एस सी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ न्यू टॉपिक फॉर अ ग्रुप थ्योरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड परम्यूटेशन सो परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सारे वीडियोज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जहां पे आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आप आपको मिलेंगे सो नाउ लेट्स के बारे में कि यहां पे क्या होता? देखो, का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या एक्चुअल में तो एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका मतलब होता है वन वन मैपिंग ऑफ एफ है ना एफ की कोई वन वन मैपिंग है ऑन अ नॉन इज ऑन टू यानी कि आप अगर एक कोई सेट ले रहे हैं वन टू थ्री फोर और एक सेट आप यहाँ पे ले रहे हैं लाइक ए बी सी डी तो एक तो वन वन मैपिंग होनी चाहिए यानी कि एक का एक के साथ में रिलेशन होना चाहिए और दूसरा इधर वाले यानी कि ये जो आपके पास में है यहां पे लाइक ये वाला जो सेट है s और ये है आपके पास में s' कह देते हैं s' जो सेट है उसके सारे एलिमेंट कवर्ड होने चाहिए लाइक ऑन टू इसमें होना चाहिए ऑन टू का मतलब जो था, एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू ऑन टू का मतलब होता है सारे एलिमेंट कवर्ड है यहाँ पे ये ये जो लिखा ना और इसके सारे एलिमेंट यहां पे कवर्ड है बट इन टू का मतलब होता है इसमें कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे रह जाता है ठीक है और दूसरा कैसा कह रहा है कि एक का एक के साथ में रिलेशन ये जो होता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं कि एफ ऑफ लाइक इसके बीच में फंक्शन एफ से डिनॉट है तो हम लिखेंगे आपके पास में ए है एफ ऑफ टू जो है वो आपके पास में बी है एफ ऑफ सी ए लाइक uh, like, अगर मैं कहता हूँ थ्री इस पे मैप है और फोर इस पे मैप है एफ ऑफ लाइक थ्री की अगर मैं बात करता हूँ तो वो डी आंसर आ रहा है ऑफ अगर मैं बात करता हूँ तो वो सी आंसर आ रहा है सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ऐसे हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं सो नाव हम यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे परम्यूटेशन के बारे में देखो परम्यूटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है परम्यूटेशन एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन वो फाइनाइट सेट के लिए होता है मेन चीज इम्पोर्टेंट यही है कि ये फाइनाइट सेट के लिए होता है और वो एक इनफाइनाइटली हो सकता है ना सो अ मैपिंग ऑफ एफ है ना वन वन मैपिंग एफ ऑन अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस सो नॉट सॉरी

ओके okay, ये मैपिंग आ जाएगी हमारे पास में लाइक like ये वन हो जाएगा ये टू थ्री एंड फोर यहाँ पे भी आ रहा है वन टू थ्री एंड फोर ये हो जाएगा यहाँ पे फोर ये वन टू थ्री एंड फोर अब हम ऐसा कह रहे हैं कि एलिमेंट आपका जो है यहां से अगर मैं बात करूं एलिमेंट वन जो है वो लाइक like, अगर मैं बात करूं थ्री पे मैप हो रहा है एलिमेंट टू जो है वो फोर पे मैप हो रहा है एलिमेंट फोर यहाँ पे वन पे मैप हो रहा है एलिमेंट थ्री जो है वो टू पे मैप हो रहा है One -one है सारे एक एक से रिलेटेड है दूसरा यहाँ पे इस वाले एस का एंड लाइक दिस इज एस एंड दिस इज ऑल्सो एस उसी उसी के अंदर होता है ना उसी सेट के अंदर होता है तो ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे एस की एस में मैपिंग हो रही है लेकिन ये कैसी हो रही है एक तो कवर्ड है सारे एलिमेंट एक भी एलिमेंट यहाँ पे इसका यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है सारे एलिमेंट कवर्ड है दूसरा ये वन वन हो रहा है तो अब इसको लिखेंगे कैसे परम्यूटेशन लाइक फर्स्ट परम्यूटेशन को मैं एफ लिख रहा हूं और परम्यूटेशन को लिखा जाता है यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर सारे एलिमेंट एस के लिखे जाते हैं उसके बाद में जो मैपिंग हो रही है उसको अगर मैं लिखता हूं वन जो है वो फोर पे जा रहा है टू जो है वो थ्री पे जा रहा है थ्री यहाँ पे टू पे जा रहा है और फोर यहाँ पे वन पे जा रहा है तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं परम्यूटेशन ओके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम यहाँ पे परमिटेशन हैं लाइक परमिटेशन कुछ भी हो सकता है अब जरूरी नहीं है कि वन फोर पे जाए थ्री पे जाए अब ये और कुछ भी हो सकता है लाइक तो अगर आपके पास में फोर है तो ये क्या हो जाएगा फोर फैक्टोरियल लाइक इसको हम कहेंगे ट्वेंटी फोर परमिटेशन बन सकता है जैसे इसको हमने कह दिया एफ वन अब अगर मैं बात करता हूँ एफ टू की तो यार F2 हो जाएगा वन टू थ्री फोर हो जाएगा अगर मैं कह देता हूँ ये टू पे जा रहा है ये वन पे जा रहा है ये थ्री पे जा रहा है और ये फोर फोर पे जा रहा है तो ये भी एक इसका परम्यूटेशन हो जाएगा ना एटसेक्ट्रा बहुत सारे इसके यहाँ पे परम्यूटेशन हो सकते हैं दूसरा यहाँ पे एक आपके पास में कंसेप्ट आता है कि ऑन इंटरचेंजिंग द कॉलम ऑफ द और इंटरचेंजिंग द कॉलम द परम्यूटेशन नॉट चेंज इसका जो कॉलम है उसको इंटरचेंज कर, like कर देते हैं like तो कहने का मतलब है कि अगर मैं F1 को अगर ऐसे लिख रहा हूँ एफ वन हमारे पास में वन टू थ्री फोर है और ये आपके पास में थ्री फोर थ्री टू वन है एंड अगर मैं इसके कॉलम को चेंज कर देता हूँ लाइक like अगर मैं इसको कर देता हूँ वन फोर अब इधर मैं क्या करता हूँ फोर वन को आगे ले आता हूँ थ्री को मैंने लिख दिया यहाँ पे और टू को लिख दिया मैंने यहाँ पे मतलब क्या किया मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सेम परम्यूटेशन हो जाएगा तो ये इस टाइप से परम्यन लिखने का मतलब हो गया कि कॉलम को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा देन हम बात करते हैं एन ऑर्डर परम्यूटेशन देखो एन ऑर्डर परम्यूटेशन का मतलब होता है जिसमें आप एन फैक्टोरियल उसके यहाँ पे मतलब फाइंड कर सकते हैं ना वो तो फाइनाइट के लिए था लाइक ये तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अब एन फैक्ट एन का मतलब हो गया लाइक बहुत सारे इसमें हो सकते हैं अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसको यार ऐसे भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ यहाँ से लिखना चाहे ए वन ए अंत तक जा रहा है ना ए वन ए टू ए थ्री से लेके यहाँ तक ए अंत तक जाएगा अब यहाँ पे एक समझने वाला कंसेप्ट ये है कि इसका मतलब क्या है देखो जो ए वन है वो क्या हो रहा है फंक्शन ऑफ ए वन हो जाएगा यहाँ पे यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए टू यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए थ्री एंड देन ये हो जाएगा आपके पास में फंक्शन ऑफ ए एन तो ये इसका कंसेप्ट होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं लाइक ठीक है तो इसको ऐसे लिखेंगे मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया कि आप जो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वैल्यू वो वैल्यू किस में आ रही है यहाँ पे उसी के फंक्शन में आ रही है लाइक दिस इज फंक्शन ऑफ ए वन दिस इज फंक्शन ऑफ ए टू दिस इज फंक्शन ऑफ ए थ्री एंड आगे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए एन अब हम इसको एक नाम दे सकते हैं Like हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसी को हमने कह दिया कि हमारे पास में ये जो है B1, F2, B2, FAN BN. तो ये क्या हो जाएगा ए टू बी टू ये हो जाएगा ए थ्री बी थ्री एंड यहाँ आ जाएगा ए एन लाइक यहाँ आ जाएगा बी एन तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि आपको इसको फंक्शन के फॉर्मेट में लाइक ये अल्टीमेटली तो फंक्शन ए को आप फंक्शन में पुट कर रहे हैं आपको बी वन मिल रहा है ए वन को पुट करने में बी वन मिल रहा है सो so ये जो होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे

नंबर ऑफ यहां पे आ जाएगा डिस्टिंक्ट परमिटेशन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमिटेशन कितने हो जाएंगे ओवर एन एलिमेंट तो एन एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमिटेशन बनेंगे एन फैक्टोरियल ओके लाइक फोर होंगे अब अगर जैसे हमने कहा फोर आपके पास में परमिटेशन like है तो वो हो जाएगा ट्वेंटी फोर एन इक्वल टू अगर फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा सॉरी ओके नॉट ये हो सो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं तो ये था परमिटेशन के बारे में नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक्स के बारे में सारे वीडियोज आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द चैनल एमएस मैथ्स